हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा लास्ट डे है गोवा में और हमने ऑलरेडी होटल चेकआउट कर दिया है और हम पहुंच गए अपने फर्स्ट लोकेशन पे विच इज़ एग्वाड़ा फोर्ट। ये ना, ये जेल है। यहाँ कैदी को ऐसे लॉक कर दिया जाता था कि वो कभी इससे निकल नहीं पाते थे। वी स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया एंड देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ लेस एक्सप्लोर्ड। अगर आपने मेरा प्रीवियस गोवा का ब्लॉग देखा होगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फिफ्थ लोकेशन। ये जगह पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इफ़ यू आर गोइंग टू गोवा, प्लीज़ इस जगह पर जाइएगा। वी वर नॉट हैविंग मच टाइम, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं किया, बट वट एवर टाइम इट वॉज़ वेरी प्लीजेंट। ये एग्वाड़ा फोर्ट के जस्ट बगल में ही है। उस वहाँ से जो लोकेशन दिखता है वो सब इस बीच का ही है। सो दिस इज़ नेम्ड एज एग्वाड़ा रॉकी बीच। और यहाँ पे साइड में एक्चुअली बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स हैं सी के साइड में, और उस पर जो ये वेव्स आता है उसका जो ये साउंड, टकराने का जो साउंड आता है, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छा फील होता है और ये बहुत ही अच्छा बीच लगा मुझे सीरियसली। और यहाँ पे काफ़ी हवा भी है और साइड से आप जाकर व्यू देख सकते हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो इट वॉज वेरी गुड। तो गाइज, अभी तक मैंने जितना भी लोकेशन आपके साथ शेयर किया है वो हमारा नॉर्थ गोवा का था, एंड नेक्स्ट लोकेशन जो विच इज़ लेस एक्सप्लोर्ड इन गोवा है वो हमारा साउथ गोवा की तरफ है। तो गाइज, नेक्स्ट लोकेशन पे जाने से पहले हमारे पास थोड़ा टाइम भी था आज के दिन में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दूध सागर वाटरफॉल जो है वो कवर कर लें। तो अभी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। तो गाइज, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई, इतने दूर आने का हमें फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हम दूधसागर वाटरफॉल नहीं जा पाए। दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए एक जगह से आपको जाना पड़ता है जहाँ की वहाँ पे कैब्स या व्हीकल, वहाँ पे उनके व्हीकल रहते हैं, वो लोग लेके जाते हैं और दिन के कुछ लिमिटेड व्हीकल्स ही वहाँ तक जाते हैं। तो उस दिन हम थोड़ा लेट गए थे और उस दिन के सारे व्हीकल्स जो है वो बुक्ड हो गए थे। आप प्रायर बुकिंग भी करा सकते हो ऑनलाइन, बट हमने नहीं कराया था, हमें इतना पता नहीं था, तो हमने सोचा वहाँ जाके पता करते हैं। तो इस वजह से हमारा वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, कहते हैं ना, वो कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। तो हमें रास्ते में ये
छोटा सा एक रिवर टाइप था, पता नहीं दुख सागर का ही पानी यहाँ पे आता है या क्या, बट बहुत ही अच्छा साफ पानी बिल्कुल फ्लो कर रहा था और बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे आके। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो कोई नहीं, दूध सागर नहीं तो यही सही। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने सिक्स्थ लोकेशन पे, विच इज क्वेपिम डैम। और ये लिटरली बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अमेजिंग था। एक्चुअली ये जो बीच आप देख रहे हैं, इस साइड पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है और नीचे फ्लो कर रहा है, और इसके जो बीच में है उस पर हम चल सकते हैं। पानी का फ्लो थोड़ा बहुत तेज़ था तो बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ा था। और इस साइड में जिधर आप देख रहे हैं पानी पूरा ऊपर तक आ चुका है, उस साइड में लोग स्विम भी कर रहे थे, और जिधर पानी नीचे जा रहा है इस साइड में लोग नीचे जाके एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने गोवा के लास्ट लोकेशन पे, विच इज़ बटरफ्लाई बीच। इस बीच तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली आपको ट्रैकिंग नहीं, काइंड ऑफ लाइक फॉरेस्ट एरिया के बीच से आपको होते हुए जाना है, तो बहुत ही अच्छा है। चल के ही जा सकते हो आप यहाँ पे। तो बट एक प्रॉब्लम है, आप अगर यहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ आप सुबह या दिन में जाओ, क्योंकि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगता है आपको बीच तक पहुंचने के लिए। हमें काफ़ी शाम हो गया था यहाँ पहुंचते ही, तो वो आपको नज़ारा बीच का मिलेगा नहीं कुछ। तो आप आगे देखोगे, मुझे बिल्कुल भी अंधेरा हो चुका था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई वहाँ पे। बट रियली बहुत ही अमेजिंग है ये प्लेस। कुछ लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंधु है दिल का।